तो गाइस आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टिक टैक टोई वाला गेम, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि मैं इसको ऑनलाइन प्ले के लिए और जो डिवाइस के संग खेलने के लिए भी बनाऊंगा। मतलब कि आपका कोई फ्रेंड आपके संग नहीं है तब भी आप इस गेम को आराम से खेल सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप इसे खेल सकते हैं अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट भेज के। तो पिछली वीडियो में मैंने इसके अंदर लॉजिक सारे डाल दिए थे, लॉजिक्स वगैरह सब चीज़ें डाल दी थी, आप अपने दोस्त के संग खेल सकते थे, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं था। तो मैंने उसके बाद इसमें ऐप में बहुत सारे चेंजेस करे हैं। तो ये मैंने फ्रेंड्स के लिए बनाया था जो अभी संग मिलके खेल रहे हैं, वो मैंने उस चीज के लिए से बनाया, जैसा कि मैं आपको यहाँ दूँ तो यहाँ पे नाम यहाँ पे शो होगा। तो ये फिलहाल के लिए आप इतने पार्ट को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन के लिए मैंने इसे डिज़ाइन करा था। तो जैसा मैंने बोला था कि मैं इसकी लेआउट पे भी थोड़ा वर्क करूँगा, अभी ज़्यादा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने अभी इस यूआई पे इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, मैंने सिंपली इसका जल्दी जल्दी यूआई कवर कर दिया था। तो गाइस मैंने इसमें ऑटो प्ले वाला फीचर ऐड कर दिया है। तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो जो दूसरा प्लेयर है वो ऑटो प्ले हो रहा है। तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं ऑटो प्ले वाला इस फीचर्स में ऐड करूंगा, इसमें डिवाइस के संग खेलने वाला फीचर ऐड करूंगा। अगर आपके संग आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है तब भी आप इस गेम को कंटिन्यू खेल सकते हैं। तो ये हालांकि इतना ज़्यादा रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं होता, ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा, लेकिन मैंने तब भी इसको बना दिया था ताकि कभी कभार कोई भी बोर होता है तो ये खेलने लगता है। तो ये इसका लॉजिक बहुत ज़्यादा एक सिंपल था, मैंने स्मार्ट लॉजिक बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं दिया इसमें, बस ये रैंडमली पिक करता है जो दूसरा यूज़र है। तो मैंने इसमें ऑटो प्ले वाला फीचर ऐड कर दिया है, तो पर मैं आज इस फीचर को हटाऊंगा और आज हम सिर्फ ऑनलाइन फीचर पर ध्यान देंगे। तो बाकी सारी चीज़ें मैं ऑप्शंस में दे सकता हूँ, हो सकता है इस फ्यूचर में मैं इस ऐप के अंदर वर्क करके जो ये ऑटो प्ले वाला या फिर फ्रेंड के संग खेलने वाला फीचर, वो मैं ऑप्शंस में जाके दे दूं, सेटिंग में जाके आप उधर जाके सिलेक्ट कर पाएं कि आपको ऑटो प्ले करना है या डिवाइस के संग खेलना है या फ्रेंड्स के संग खेलना है या फिर आपको एक ऑनलाइन खेलना है। तो वो एक बात की बात है। आज हम इसको डिज़ाइन करेंगे, इस ऐप में आज जो भी हम कोडिंग करेंगे वो होगी ऑनलाइन पार्ट से रिलेटेड, और हो सका तो मैं इसे प्ले स्टोर पब्लिश कर दूंगा अगर मैं इसके डिज़ाइन वगैरह और अच्छी दे पाया या फिर कुछ चीज़ें मैं और ऐड कर पाया तो वो उसके बाद मैं इसे प्ले स्टोर में अपलोड कर दूंगा। और लेकिन इस ऐप को कम्प्लीट करने के बाद इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम जल्दी से अब ऑनलाइन पार्ट को बिल्ड करते हैं। Thank you.
गाइस काफ़ी मेहनत के बाद हमने अपना टिकटैकटो गेम कंप्लीट कर लिया है। इसे फ्रेंड अपने फ्रेंड के संग खेल सकते, उन्हें रिक्वेस्ट भेज के आप उनके संग टिकटैकटो खेल सकते। तो बहुत ज़्यादा एक सिंपल सा है, आपको बस करना है कि जब आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक जीमेल आईडी क्रिएट कर, जीमेल आईडी डाल देनी है आपको कोई भी नहीं है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना। ये वन टाइम के लिए यूज़ होगा, अगर आप ऐप अनइंस्टॉल कर दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो आप दूसरी जीमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके आप जब फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको एक ही जीमेल आईडी डालनी, उसके बाद आप लॉगिन कर देंगे तो वो आईडी डाटाबेस में स्टोर हो जाएगी और वो लॉगिन यहाँ पे आपको शो करेगा। जब भी आप ऐप ओपन करेंगे तो ये आपकी आईडी यहाँ पे शो होगी कि आपकी आईडी ये है। तो उसके बाद आपको करना है कि आपको फ्रेंड को भी यही एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद उसको भी एक आईडी जनरेट करनी है। और अगर आपको अपने फ्रेंड के संग खेलना है तो सिंपली आपको उसका यहाँ पे यूज़र नेम डालना होगा, जैसा कि आपका यूज़र नेम है, आपकी जी मेल आई डी वही उसकी जी मेल आई डी आपको यहाँ पर डाल देनी होगी। उसके बाद आपको उसे इन्वाइट पर क्लिक कर देना और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा उसके बाद आप गेम खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, मैं अपने फ़ोन से अपने एमुलेटर पे रिक्वेस्ट भेजूँगा, जो भी उसकी आईडी है वो जीमेल आईडी मुझे यहाँ पे डालनी होगी, मेरी है नेक्सस फ़ोन। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे जैसे ही आईडी लिख के इनवाइट क्लिक करा तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रिक्वेस्ट आ चुकी है। अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो हम गेम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेप्ट करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ चुका कि मेरे पास एक्स, और इस फोन में मेरे पास लिखा आ रहा है कि मेरे पास ओ है। तो हम आराम से अब खेल सकते हैं, जो भी उधर क्लिक होगा वही इधर, जैसे इधर आएगा वैसे ही उधर आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं दोनों तरफ से अभी हम खेल सकते हैं, बिल्कुल गेम ये ऑनलाइन हो चुका है, आप अपने फ्रेंड के संग खेल सकते हैं। जीतने का भी फंक्शन जो पहले था इसमें वही एक फंक्शन है इसमें जीतने का ही, जो मैंने पहले एप्लीकेशन में बनाया था। तो मैंने बस इसमें आज ऑनलाइन कन्वर्ट करा इसको, काफ़ी इसमें मेहनत लगी तो इसको करने के बाद हमने इसे ऑनलाइन कर दिया है गाइस। तो इस ऐप की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के संग टिकटैकटो खेल सकते हैं, ऑनलाइन खेल सकते हैं। तो और प्ले स्टोर की बात रही तो वो मैं इसको सोचूंगा, इसमें और चीज़ें मैं डिज़ाइन करूंगा, इसकी लेआउट अच्छी दूंगा, उसमें कुछ बग्स है वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा, तब हो सकता है मैं इसे प्ले स्टोर पर डालूँ। तो जब भी अगर प्ले स्टोर पर डालूंगा तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में कन्फर्म कर दूंगा कि मैंने ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाल दी है। तो गाइस ये थी बस आज की एक वीडियो, मैं इस ऐप को पूरा ऑनलाइन करना चाहता था और वो आपके संग शेयर करना चाहता था मैं। तो मैं आशा रखता हूँ आपको आज की ये कोडिंग की वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो इसे लाइक करना यार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी कोडिंग की वीडियोस के लिए। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और कोडिंग की वीडियो में, या फिर कोई ट्रिक की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।